बैंकनोट बनाने वाली एक कंपनी में काम करने वाले जॉन सेफर्ड बैरन को एक चीज बहुत परेशान कर रही थी। दरअसल होता यह कि बैरन जब शनिवार को बैंक में अपने चेक से पैसे निकालने जाते तो उन्हें बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता और कई बार तो वो पैसे निकाल ही नहीं पाते। इसी तरह एक शनिवार को वे बैंक गए लेकिन पैसे नहीं निकाल पाए। उसी शाम नहाते हुए उन्हें आइडिया आया कि जिस तरह चॉकलेट वेंडिंग मशीन में पैसे डालते ही चॉकलेट बाहर आ जाती है, उसी तरह एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसमें से पैसे निकल सकें। बस फिर क्या था, बैरन अपने काम पर लग गए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे और ज्ञानवर्धक लगते हैं तो वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर किया करें और इससे हमें ऐसे ही और वीडियोज बनाने की प्रेरणा मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन द्वारा नए वीडियोज की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल करना न भूलें। तो दोस्तों, पैसे निकालने को लेकर जब लंबी लाइन से बेकर परेशान हो गए तो उन्होंने चॉकलेट वेंडिंग मशीन की तरह ही पैसे निकालने वाली मशीन बनाने का आइडिया सूझा। फिर क्या था, उन्होंने चॉकलेट वेंडिंग मशीन की तरह ही मशीन बनाई जिसमें 6 अंकों का एक पिन एंटर करना होता था। दरअसल बैरन आर्मी में रहे थे और उन्होंने अपनी आर्मी के रजिस्ट्रेशन नंबर को ही पिन बनाया था, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि वो 6 अंकों का पिन याद नहीं रख सकती, इसलिए बाद में पिन को बदलकर 4 अंकों का किया गया। हालांकि अभी की तरह उस मशीन में कार्ड का इस्तेमाल नहीं होता था, मशीन में चेक से पैसे निकाले जाते थे। इन चेक पर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लगा होता था जिसे मशीन पढ़ लेती थी। चेक लगाने के बाद पिन एंटर करना होता था। उन्होंने इस तरह की 6 मशीनें बनाई और इन्हें अलग अलग जगहों पर लगाया गया। सबसे पहली मशीन लंदन के इनफील्ड में बार्कलेज बैंक में 27 जून 1967 को लगाई गई। इस मशीन से सबसे पहले ब्रिटिश कॉमेडी एक्टर रेग वार्ने ने पैसे निकाले। इस मशीन से एक बार में अधिकतम 10 पाउंड माने आज के हिसाब से करीब 1000 रुपए और 1967 के हिसाब से करीब 180 रुपए ही निकलते थे। इन 6 मशीनों के बाद बैरन ने इस तरह की 50 मशीनें और बनाई। इन्हें लंदन में अलग अलग जगहों पर लगाया गया। धीरे धीरे इनका चलन बढ़ने लगा और लोग टाइम की बचत की वजह से इनका इस्तेमाल ज्यादा करने लगे। हालांकि 60 के दशक में इस तरह की मशीन बनाने में दुनिया भर के लोग जुटे हुए थे। साल 1966 में जेम्स गुडफेलो ने एटीएम टेक्नोलॉजी के लिए पहला पेटेंट करवाया था। इसमें चेक की जगह प्लास्टिक कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था जो आज तक प्रचलित है। साथ ही बैरन ने इस पूरी टेक्नोलॉजी का पेटेंट नहीं करवाया था। उनका मानना था कि अगर वो पेटेंट करवाएंगे तो इस टेक्नोलॉजी का हैकर गलत फायदा उठा सकते हैं। इसी वजह से एटीएम का आविष्कारक कौन है, इस बात को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एटीएम के आविष्कार का किसको श्रेय दिया जाना चाहिए, कमेंट्स करके जरूर बताएं। सबसे पहले साल 1977 में सिटी बैंक ने न्यूयॉर्क में एटीएम लगाने के लिए $100 मिलियन खर्च किए। सिटी बैंक को भारत में भी एटीएम को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है। 1984 तक दुनिया भर में 1 लाख से भी ज्यादा एटीएम हो गए। एक अनुमान के मुताबिक फिलहाल पूरी दुनिया में 35 लाख से भी ज्यादा एटीएम है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइंस।